हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मृणाल ठाकुर का ये वाला पोर्ट्रेट थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है, फ्री हैंड में। आप पोर्ट्रेट को पहले अच्छी तरह से देख लो, आंखें देख लो कैसा है। बहुत ही अच्छी मोटी मोटी आंखें है, नोज, लिप्स भी बहुत अच्छा है, क्यूट है। तो फेस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कैसा है, ठीक है। तो आपको अगर मेरे साथ ड्रॉ करना है तो आप ये इमेज को प्रिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट पर लिखिए, मैं इमेज का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं, आप लोगों भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं HB पेंसिल से फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो आँखों के बीच से जाएगा, ये आई लाइन है। और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो वर्टिकली जो नोज़ के बीच से जाएगा, तो ये मेरा जो रिफरेंस लाइन है, ठीक है। अभी इस दो लाइन से मैं पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूँगा। तो पहले नोज़ के बीच से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरा नोज का पॉइंट, इधर से मेरा आईब्रो जाएगा ऊपर तक लेफ्ट वाला, और इस पॉइंट से नोज आएगा नीचे, इस पॉइंट से मेरा दूसरा आईब्रो जाएगा। आईब्रो को आप देखिए बहुत मोटा मोटा है। ये मैं थोड़ी सी HB पेंसिल से आइडिया ले रहा हूँ कि कैसा कहाँ कैसा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मोटा मोटा आईब्रो है। तो नोज का शेप पहले कर लेते हैं, फिर बाद में आंखें करेंगे। नोज ऐसे नोज आएगा, ऐसा नोज है, ठीक है। नोज के नीचे ऐसा आएगा, फिर यहाँ से लिप्स का पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा लिप्स बहुत ही अच्छा है। लिप्स का शेप आप देखिए कैसा है, ऐसा जाएगा, थोड़ा ऊपर गया है इधर, इधर आएगा, ठीक है, ऐसे लिप्स होगा। लिप्स का स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा है, ऐसे लिप्स आएगा। सिर्फ ये कुछ फाइनल नहीं है, बस रफ आइडिया है। अभी थोड़ा इसको ट्राई करते हैं, इधर से ऐसे बालों का लाइन आएगा, ऐसे करके इधर से शेप ऐसा है, बिल्कुल फ्री हैंड में ट्राई कर रहा हूँ। तो कभी मत सोचना कि जो रिजल्ट है वो 100% होगा। तो थोड़ा आँखों को ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से आके आएगा, ऐसे इधर तक आएगा, आके तो बहुत ही अच्छा है।
ऐसे आंखें आएगा। ऐसी आंखें, ऐसी लिप्स होगा मुझे लगता है। देखते हैं, बालों को सिर्फ थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। इसके भी ऊपर जाएगा, सब गलाई ना का। ये वाला से थोड़ा देखते हैं, तो ऐसे ऐसे करके अच्छा नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हुआ है। देखते हैं फिर बाद में शेडिंग करने के बाद कैसा होता है। ये बाल ऐसे आया, एक आम का झुमका है, पता नहीं पोर्ट्रेट को पहले अच्छी तरह से देख लो कि कहां पर क्या है, तो खुद ब खुद ड्राइंग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ होगा। इस तो हुआ लेकिन मैच हुआ या नहीं पता नहीं। अभी थोड़ा दो लाइन जो मैंने खींची है वो लाइन को यस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। तो ऐसा कुछ आया मेरा फेस। अभी थोड़ा शेडिंग करते हैं, ठीक है, आंखों को थोड़ा शेडिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। तो पहले मैं आईब्रो से स्टार्ट करूंगा। आईब्रो का शेप ऐसा है, चारकोल पेंसिल है। चलिए इधर तक आएगा, सॉरी ये तो गलत हो गया। इस से तो ये वाला आंखें बना लेते हैं। तो हाईलाइट है,
थोड़ा सा शेडिंग करते हैं। कुछ आंखों का शेप ऐसा कुछ आया आंखें। अभी दूसरा आंखें भी ट्राई करेंगे। सब कुछ है आईब्रोस मेरी आंखों को ड्रॉ करते हैं। ऐसा सेटिंग करेंगे। ये तो आंखें हो गया, पता नहीं ठीक है या गलत। ये वाला आंखें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, अच्छी तरह से नहीं हुआ। मैंने तो कर दिया लेकिन थोड़ा गलती हो गया लगता है।
चलिए अभी नोज को कर लेते हैं थोड़ा शेडिंग। पता नहीं कैसा हुआ, लिप्स कर लेते हैं।
क्या हो गया मेरा लिप्स? तो कैसा लगा, कैसा हो रहा है, अब कमेंट पे जरूर लिखना जी। तो अभी थोड़ा बालों को कर लेते हैं, और भी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, जिनरल्स का चारकोल। Heh heh heh.
Thank you.
चलिए यहीं पे काम खत्म करता है। और अच्छा नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है फियान में। परमानेंट नहीं हुआ। फियान में मैंने ट्राई किया है, तो आप भी मेरे साथ ट्राई करना, कैसा होता है। अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो चलो ठीक है, जैसा भी हुआ वैसे ही ठीक है। इतना बालों को थोड़ा ठीक कर देते हैं। ऐसा भी हुआ ये है, वक्त अच्छा नहीं होता, बस तो ऐसा हो गया। तो ठीक है चलिए अभी खत्म करते हैं साइन करके। सो थैंक यू, सब अच्छे रहना, गुड नाइट, बाय बाय।